बैक टू माई चैनल सोनिया लीक। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग वैसे मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज, हमारा हलवा बनाने की जो तैयारी वो स्टार्ट हो चुकी है। देखो, ये धोरे गाजर और ये गाजर को छीलेंगे अभी कद्दूकस, ये करेंगे और ये करेंगे, क्योंकि इन्हें भी गाजर का हलवा खाना है। देखो तो ये गाजर धो रहे, ये दोनों छील रहे, ये घिस रहे हैं, काम करेंगे। इनसे मैं काम कराऊंगी, क्योंकि आज यही शख्स वो ऐसे हैं जिनकी वजह से हम बाहर घूमने नहीं गए। अबे अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। ऐसा कुछ भी नहीं है, जब भी हमारा प्लान बनता ना घूमने का, कहेंगे सर चलो जरूरी काम है। तो भाई साहब ठंड हो रही है यहाँ पर, हलवे तो बाहर काम, बाहर नहीं था काम। ये सना को बहुत पता है, जल्दी बना दो हलवा। नहीं दूंगी मैं सना के लिए। सो गाइस, हम लोग मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। काशिप भाई ये ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। अम्मी ने बुलाया ना, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो ये जल्दी से गाजर घिसेंगे और फिर हम आपको बताएंगे। वैसे फर्स्ट टाइम हम गाजर का हलवा ट्राई करने वाले हैं ना, जब से हमारी शादी हुई हम फर्स्ट टाइम गाजर का हलवा बना रहे हैं। एक नंबर बना के दिखाऊंगा मैं पक्का। हाँ, तो फिर तुम ही बना लेना यूट्यूब से सीख सीख के। तो फर्स्ट टाइम हम लोग ट्राई कर रहे हैं, अभी गाजर घिस रहे हैं और इतना मैं लोगों को चाय बना के पिलाती हूँ और फिर उसके बाद हम बताएंगे कि हम कैसे गाजर का हलवा बना रहे हैं। ओके, तो मिलते हैं। हाँ, बोलो। बनाएंगे और घर पे बनाओगे और इसको भूनोगे, सबको पता, जिसको बताना चाह रही हो। नहीं पता ये तो बस ऐसी, तू कौन मैं खामा खा। ये जो सामान लेके आते वो था थोड़ा सा, तो मैं लेके आई हूँ हलवा बनाने के लिए। घी और ये कम था और लेके आई हूँ खोया और इलायची पाउडर और ये है चीनी हलवे बनाने के लिए। तो हमारा सेट हो गया, अंदर ही कर रहे हैं गाजर घिस रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, ये गाजर घिसी जा रही है हीटर के आगे बैठ के, ये सारे काम यही संभालते हैं और ये इन्हें कंपनी दे रहे हैं इन्हें, और ये इन्हें कंपनी दे रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं, सर कोई बात नहीं आप अच्छा बना सकते हो। हम तेरे शहर में गाना गाना ही होता है। दिखाओ कितनी गाजर घिस दी तुमने अभी तक। घिसो तो मैं नहीं घिसूंगी, ये बैठे तो हलवा खाने के लिए है। तुम क्या करोगे, सिर्फ टेस्ट करके बताओगे कैसा बना है? नहीं करोगे मतलब? मेरा जैद देखोगे, से लोट पोट हुआ पड़ा है इस टाइम बेचारा। ओए यार, तेरी तेरी तब है, इसे पकड़ लो यार। ये सब पता, कहाँ हाथ मारना है, कहाँ नहीं मारना। चाचू तुम तो अभी छोटे हो, तुम लोग मेरे बच्चे को क्या अकेला समझ के दबा रहे हो जैद? नहीं, ये तीन चार है, माँ है इनकी। सो गाइस, अभी हमने चढ़ा दिया है इसको और थोड़ी देर तक इसका जितना भी पानी वगैरह सूख जाएगा। एंड अभी चाय वाय पी रहे थे हम। सो देखते हैं कितनी देर तक है। सो देख सकते हो अभी बारिश का मौसम हो रहा है, आंधी चल रही है। देखो बस थोड़ी देर में ही बारिश होने वाली है। तो अभी बर्तन वर्तन है, सैनु खुद की चाय हमने मैंने बनाई है। एंड बर्तन वर्तन धो के फिर जब रेडी होगा फिर आपको भी दिखाएंगे और आपको भी खिलाएंगे। हाँ भाई, तो कैसी बनी है चाय? अच्छी बनी है। सो हमारे यहाँ पर ना इस टाइम की चाय यही बनाते हैं, उनसे पूछ लो, बिस्किट लेके बैठे हैं। हाँ जी, तुम बताओ चाय कैसी बनी है। गाइस, मैं काशिप भाई की एक बात बताती हूँ। काशिप भाई, एक बार क्या हुआ, हम दोनों का ना बहुत तेज झगड़ा हो रहा था इनका और मेरा। अब काशिप भाई बैठे बैठे सोचे मैं करूँ तो क्या करूँ, और हम इनके छुपाने से चुप नहीं रहते। इन्होंने क्या करा, ये चले गए, हमें लगा चले गए, बाहर खड़े होकर ना चाय बनाई इन्होंने, और एक प्लेट में इन्होंने तीन कप रखे और तीनों कप के पास एक एक टमाटर। वो टमाटर क्यों रखा था? क्यों रखा था भाई? भाई कहते हैं वो टमाटर क्यों रखा था, मैं जानना चाहता हूं। मुझे लगा कि आपका पारा गरम था, उसको देख करके थोड़ी सी हंसी वसी आए, पर तुम्हारा तो भैया पारा। और चाय कितनी अच्छी बनाई थी तुमने, चाय इतनी बकवास चाय की। हमने कभी इनसे नहीं कहा कि काशिप भाई तुम चाय बना दो, जैसे स्कूल में कभी कभी खाना खराब आ जाता है। खाने खराब चाय बना के लाया था मैं। अच्छा, पी के तो बता दो बादशाह कैसी चाय है। मुंबई आय है मुझे मत बना करो आगे से चाय। क्यों भाई, सही नहीं बननी यार। सो गाइस, मेरा ना हलवा ऐसा हो, मतलब अब पक रहा है, बट मेरे को ना ये समझ में नहीं आ रहा इसमें कच्चा दूध डलता है या पका हुआ, तो मैं ना कच्चा ही डाल रही हूँ, देखते हैं क्या होता है। लेकिन पहले मैं डालूंगी चीनी, क्योंकि उसमें मेरी आंखों को क्या हो, काजल फैल। मैं डालूंगी पहले चीनी, क्योंकि उसमें चीनी दिखा रहे हैं, तो मैं चार कप, उन्होंने चार किलो, मैं तीन कप चीनी डालूंगी।
तो पहले चीनी डालते हैं फिर देखते हैं। करूं? हाँ। ओहो बन गया क्या? नहीं अभी मैंने वो डाली है, चीनी डाली है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें आधा किलो। मैंने नेट पर देखा था आधा किलो की दूध था, पता नहीं कितना डालते। फर्स्ट टाइम बनाया इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा। तो डाल दो ना फिर। अच्छा ही बने। पीछे से मेरे रिश्तेदार उनका काम ही है भोगने का। सो भूख लग रही है। और देखो ये देखो कितनी जल्दी जाने की तैयारी कर रही है। कर रही हो? So guys, ये ना अभी ऐसा हो गया, मेरे को पता नहीं है इतना। मैंने चीनी इलायची और दूध डाल दिया इसके अंदर। अब देखते हैं कैसा बनता है ये। और मेरे को ये भी नहीं पता कि इसमें आधा ही किलो डालता है या एक किलो डालता है, बट मैंने आधा किलो डाल दिया। देखते हैं हलवा कुछ इस तरीके से पक रहा है। ये देखो ये दिख नहीं रहा। ये देखो अभी ना इसके अंदर जो भी पानी वगैरह वो सूखेगा। और वैसे कलर तो बहुत अच्छा आ रहा है देखने में। अब अल्लाह करे अच्छा ही हो खाने में। हैं कैसा लग रहा है तुम्हें? ऐसा लग रहा है अच्छा बनेगा? हैं तुम तो हलवा खाए बिना जा रहे हो? अरे नाराज नहीं, तुम्हारा टाइम हो गया, हलवा लेट बन रहा है। दो चार कटोरियों में घर भिजवा दूं? घर भिजवा दूं। ठीक है ठीक है। सो गाइज अब मैं घिसने जा रही हूँ मावा खोया। सो ये मेरे को ना घिसने में बड़ा मज़ा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो ये मैं घिसूंगी। ये देखो ये एक पाव ये लेके आए थे, ये वाला लेके आया था, तो मेरे को कम लग रहा था तो मैं एक पाव और ले आई। सो और मेरे किचन पे प्लीज़ मत जाना क्योंकि बहुत गंदा हो रहा है। पहले मैं हलवा बनाऊँगी फिर काम शुरू करूँगी। तो पहले मैं ये खोया घिस लेती हूँ जल्दी से। सो गाइज मैं ना खोया घिस रही हूँ, ये मेरा फेवरेट काम है, मेरे को सबसे अच्छा लगता है। गाजर बन रही है, मतलब हलवा बन रहा है। और ना मैं आपको बता दूँ कि मेरी शादी को ना 7 साल हो जाएंगे। 7 साल में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि हम लोग गाजर का हलवा ट्राई कर रहे हैं। कभी मतलब किया नहीं, सोचते थे दो जने क्या बनाएं हैं, बट इस बार इनका मन कर गया कि नहीं यार बनाते हैं। और अब शुमारा भी हो गई खाने वाली, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा चलिए इस बार ट्राई करते हैं, पता नहीं कैसा बनेगा। अगर अच्छा बना तो इंशाल्लाह मैं जब घर जाऊंगी तो अम्मी और मम्मी दोनों के लिए बना के लेके जाऊंगी। तो बस अभी ये कर रही हूँ। मैंने खाना नहीं बनाया, पता है और कितना टाइम हो गया, 10 बज गए, खाना नहीं बनाया। अब मेरे को कुछ नहीं, मेरे को तहरी बनानी है। तो जैसे ये बन जाएगा उसके बाद मैं तहरी बनाना स्टार्ट कर दूँगी और उसके बीच में सफाई कर लूँगी। तो बस जरूरी करके और ये खोया मैं ज़्यादा डालूँ, ड्राई फ्रूट में बहुत थोड़े से डालूंगी अभी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे ना पसंद नहीं है ज़्यादा ड्राई फ्रूट हलवे के अंदर, इसलिए मैं बहुत कम डालती हूँ दूध रहा। सो ये मेरा खोया घिस गया, देखो कितना सारा ना, कितना अच्छा लग रहा है ना। और ये थोड़ा सा ना मैंने ना बचा लिया है मोटा मोटा, मतलब मैं ना इसे इसको तोड़ तोड़ के डालूंगी। वो क्या होता है ना मीठे मीठे के बीच में ऐसा खोया थोड़ा थोड़ा सा बीच में आता है ना, वो शादी में जैसा जर्दा वगैरह बनता है उसमें थोड़ा थोड़ा सा इतना मोटा मोटा खोया मुँह में आता है, कितना टेस्टी लगता है ना, वैसा मैं फील लेना चाहती हूँ। तो इसको मैं ऊपर से तोड़ कर खाली हाथ से थोड़ा थोड़ा डालूंगी, बाकी मैंने कस लिया है सारा। तो सो गाइस मैं थक गई हूँ हलवा बनाते बनाते क्योंकि पता है कितना टाइम हो रहा है, 10:45 हो रहे हैं और अभी हमने खाना भी नहीं बनाया, अभी तहरी बनानी है मुझे। तो मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा हलवा बनाना के। कब हलवा बनेगा ऐसा लग रहा है, दिन में बनाना चाहिए था, बट फिर अगर दिन में बनाती तो इनका ये सपोर्ट नहीं करते, फिर ये नहीं होते ना काम पे होते। कब बनेगा हलवा? हाँ और तुमने दूध और डाल दिया उसके अंदर, एक घंटे से ज्यादा हो गया, 1.5 घंटा हो गया। सो गाइस इन्होंने ना क्या करा है कि एक थैली दूध ना और डाल दिया, क्योंकि ना वो दूध ना हमें कम लग रहा था, वो सूख तो गया था, पर एक थैली और डाल दिया क्योंकि गाजर अभी कच्ची है। तो अभी देखते हैं कितनी देर में पकता है। सो गाइस फाइनली वे पे चल रहा है, बस बन चुका है, कम से कम 2 घंटे लग चुके हैं अभी तक।
अंशु महाराज बहुत परेशान है, सो ड्राई फ्रूट डालेंगे। और सामने जो दीवार देख रहे हो सब सुमारा ने खराब करी है पेंटिंग कर करके। क्यों करा तुमने? क्योंकि मुझे पेंटिंग करना पड़ेगा तो बहुत अच्छा लगता है। सो गाइस फाइनली हमने इसमें डाल दिया है खोया एंड इसको मिक्स कर देंगे चारों तरफ। ज़्यादा नहीं करेंगे, उसके बाद हम डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल लेते हैं। यम्मी यम्मी ड्राई फ्रूट फेंट देते हैं। इसको मिक्स कर दो, मिक्स कर रहे हैं हम ऐसे। सो गाइस ये मुझे दिखाने के लिए आए, ये तो हमारा हलवा जो है बनके तैयार हो गया है कुछ इस तरीके से, बहुत यम्मी लग रहा है देखने में। तो टेस्ट कब कराओगे? ये पहली बार घर का हलवा हम टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम पहली बार बना रहे हैं। 2.5 घंटे लग गए इसको बनाते में। हाँ लेकिन देखने में दिखाओ, लेकिन देखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है, तो एक बार खा के देखते हैं। जल्दी से मेरे को टेस्ट कराओ। 2 किलो तो होगा। हाँ अब जल्दी से टेस्ट करा दो। काम ये देख रहे हैं क्योंकि जैद ना मेरा गिर गया था अभी, बहुत तेज का सर फूट गया तो रोने लग गया था, तो मैं इसको लेके बैठ गई। हाँ हीटर चलाया क्योंकि इसने ना अपने आप को पूरा गीला कर लिया था, तो मैं इसको लेके बैठ गई। इन्होंने तुम बैठ जाओ और मैं बनाती हूँ, तो ये लेके आया मेरे घर। पुरानी दिल्ली फेल है, अल्लाह की कसम है। देखो तुम देखो, सच में भाई इतना टेस्टी हलवा बनाया कि मैं आपको क्या ही दिखाऊं, बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना है सच में। एक और चम्मच दे। पूरा ऐसा लग रहा है जैसे बाहर से मंगाते हैं। सोच में हमने 2.5 किलो बनाया, वो 2 किलो 3 किलो गाजर थी, 3 किलो गाजर में हमने मैं आपको बता देती हूँ हमने क्या क्या डाला है। 3 किलो गाजर थी और 1 किलो दूध था उसमें, और 3 कप मैंने चीनी डाली थी, आधा किलो वो था खोया, खोया था 3 किलो मैंने, 3 कप मैंने चीनी डाली, 60 रुपए के ड्राई फ्रूट डाले क्योंकि ज्यादा नहीं डाले मैंने ड्राई फ्रूट, हमें ज्यादा पसंद नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कितना खर्चा आया, खाली बाहर बाहर से अभी जो कच्चा है उसमें खर्चा आया मेरा 450, मतलब लगभग 500 रुपए का खर्चा पूरा आया। मतलब 500 रुपए में लेकिन हम बहुत दिल भर के और बहुत अच्छे से खा सकते हैं। और क्योंकि अभी तक हम जितनी भी सर्दियों में हलवा आता था ना, हम लोग ना बाहर से मंगाते थे और वो मन तो मतलब मन भर जाता था थोड़ा सा खा के, पर ये घर का है ना इसको खा के तो मन खुश हो गया अच्छे से। अब देखो मैं आपको डाइट, तो मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। 3 किलो गाजर थी, 1 किलो दूध था उसमें, मैंने 3 कप चीनी डाली, 2 चम्मच मैंने देसी घी डाला, और 1/2 किलो मैंने खोया डाला है, और थोड़े से हमने ड्राई फ्रूट डाले। बहुत ही टेस्टी बना है, आप भी ट्राई करना, आप भी ट्राई करना, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। सो मैं अपने वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। सो गाइज आई होप आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा ज्यादा शेयर करना, और ये हलवे की रेसिपी जरूर ट्राई करना क्योंकि बहुत ही अच्छा बना है। मैं आपको बता नहीं सकती, काश मैं आपको टेस्ट करा पाती तो मैं आपको बता देती, बहुत टेस्टी बना है, फर्स्ट टाइम ट्राई किया है बट बहुत अच्छे बने, बट अब बहुत ही अच्छा बना था। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और वीडियो को मेरे 20K फॉलोवर होने वाले हैं, सब्सक्राइबर होने वाले हैं बहुत जल्दी। आपको हमने अभी अभी व्लॉग डाला, बहुत जरूर देखिए।
और मैं मेरी 20K सब्सक्राइबर बहुत जल्दी होने वाले, प्लीज जल्दी जल्दी करा दो। और बस फिर मिलेंगे अल्लाह हाफिज नेक्स्ट व्लॉग में, तो जब तक बस बाय अल्लाह हाफिज। सो गाइस ये देखो काशी भाई जा चुके थे और दोबारा आए हलवा खाने। कैसा बना है भाई? सच में रात हो गई थी बट हलवा कसम से बड़ा मतलब अच्छा बना, टेस्टी है। जो हम बाहर से खाते हैं ना उससे कहीं ज्यादा अच्छा लगा। घर का होममेड है और भाभी मेहनत दिख रही है आपको, यानी कि काम करना आता है। नहीं सर ने बनाया था तो। नहीं, मतलब हाँ है। काशी भाई ना चले गए थे पर जब बन गया ना इन्होंने काशी भाई को फोन करके बुलाया, भाई एक बार टेस्ट करके आओ, काशी भाई दोबारा आए खाने। थैंक यू सो मच सर, और भाभी मजा आ गया। अब अम्मी के लिए भी ले जाना थोड़ा सा, अपनी अम्मी के लिए, पहले अपनी मम्मी को तो दे दो, खिला दो। चलो अभी ले जाएंगे, थैंक यू।